विंटर्स में स्किन अच्छी रखने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं आज की वीडियो में बताऊंगा। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली दो वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो आज के वीडियो के तीन पार्ट्स हैं। पहला है कि आपको अपने फेस के लिए क्या स्किन के रूटीन फॉलो करना है विंटर्स में। दूसरे में मैं आपको मेरे कॉलेजन वाले रूटीन की अपडेट दूंगा। एंड थर्ड है विंटर्स की वजह से जो आपको स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस एंड साथ में प्रोडक्ट्स भी बता दूंगा कौन से लेने हैं उनके लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फेस का स्किन केयर रूटीन। अब जो हमने लास्ट ईयर विंटर स्किन केयर का वीडियो अपलोड किया था उसके कॉमेंट्स मैंने आपसे पूछा था कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और आप लोगों ने मेरे को अच्छे से बता दिया था। और उस हिसाब से मेरी ऑडियंस की ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन सबसे ज्यादा है। तो उसके हिसाब से सबसे पहला स्टेप आपके स्किन केयर रूटीन का, आप सबको ऑलरेडी पता है वो स्टेप क्या है, वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का मतलब है कि साफ करना, लेकिन इस क्लेंजिंग के बिना दो पार्ट है। अगर आपने ऑलरेडी सनस्क्रीन लगाई हुई है और आपको उसको साफ करना है, मान लो कि आप रात को कहीं बाहर से वापस आए हो, तो आपको पहली चीज एक मिसलर वाटर यूज करना है। अब अगर आप बजट में हो तो आप ये गार्नियर वाला यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास बजट है अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करने के लिए तो आप ये फेस शॉप वाला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने फेस से सनस्क्रीन हटानी ही नहीं है तो ये वाला स्टेप स्किप कर देना और आ जाना आप नेक्स्ट फेस वॉश वाले स्टेप पे। अब फेस वॉश की बात यह है कि विंटर्स में आपको फेस वॉश नहीं क्लेंजर यूज करना चाहिए, जो कि आपकी स्किन पे थोड़ा सा हल्के तरीके से एक्ट करता है। और विंटर्स में आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन का पूरा ऑयल ही एकदम उजड़ जाए, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि इससे आपके पैसे भी बचेंगे कि अगर आप रात को नाइट टाइम स्किन केयर कर रहे हो तो तब आप क्लेंजर या फेस वॉश स्किप भी कर सकते हो। अगर सनस्क्रीन लगाई है तो मिसलर वाटर से हटा लो, बस उतना ही काफी होना चाहिए। अब हाँ, अगर आप सुबह फेस वॉश कर रहे हो जिम से आने के बाद या कोई स्पोर्ट खेलने के बाद या इन जनरल आपके फेस पे पोल्यूशन वगैरह लगा हुआ है तो ढंग से एक फेस वॉश यूज कर लो, बट वो भी मैं रेकमेंड करूंगा एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज करो, जैसे कि ये केमिस्ट एट प्ले वाला है। अब इस वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, हाँ हमारे लिंक्स अफिलिएट है, लेकिन ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के हैं जो मैं यूज करके जिनको टेस्ट कर चुका हूं। अब फेस साफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट का। और ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो भी आपकी स्किन की स्पेशल प्रॉब्लम वगैरह है उसको ट्रीट करने के लिए आप कोई सीरम यूज करोगे, या फिर आप कोई सीरम इन जनरल ही यूज करना चाहोगे। और एक और चीज, सीरम वाली फॉर्म की जगह, मतलब कि वो ड्रॉपर से लिक्विड निकाल के फेस पे लगाने की जगह आप टोनर भी यूज कर सकते हो। लेकिन विंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि आपकी स्किन काफी ड्राई हो जाती है विंटर्स में, तो डेफिनेटली आपको एक हाइड्रेटिंग वाला टोनर या फिर कोई ऐसी सीरम यूज करनी है जिसके अंदर जो एक्टिव हो, मतलब कि जिसके अंदर के जो केमिकल हो वो आपकी स्किन को थोड़ा और हाइड्रेट करे, मतलब कि थोड़ा और पानी की मात्रा बढ़ा दे आपके चेहरे में, यानी कि वाटर कंटेंट इंक्रीज कर दे। अब इस चीज के लिए बहुत बढ़िया होता है विटामिन सी सीरम। लेकिन इन विंटर्स में जब थोड़ी ठंड ज्यादा हो जाएगी और मेरे को स्किन ड्राई लगनी शुरू हो जाएगी, अभी देखो दिल्ली में बिल्कुल भी ठंड नहीं आई अभी तक, गर्मी है, लेकिन जब ठंड आ जाएगी तब मैं सीरम की जगह एक हाइड्रेटिंग टोनर यूज करूंगा इस बार। तो मैंने ये डॉट एंड की वाला मंगवा लिया है। एंड बाय द वे, एक और चीज जो कि मैं शुरू करने वाला अपने फेस पे लगाना वो है रेटिनॉल सीरम। अब इसका कोई ड्राइनेस से रिलेशन नहीं है, बट भाई अब भाई की उम्र आने वाली है तो रेटिनॉल वापस मुझे लगाना शुरू करना पड़ेगा, मेरे को फॉरएवर अच्छी स्किन चाहिए। और अगर आप भी 23 प्लस हो तो आप भी यूज करना शुरू कर दो। अब इस बार नेक्स्ट स्टेप आते हैं मॉइस्चराइजर का, जो कि मैं जनरली समर्स में कभी कभी स्किप भी कर देता हूँ, वैसे जनरली स्किप ही कर देता हूँ, लेकिन विंटर्स में इट रियली डिपेंड्स कि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है या नहीं है। मुझे पर्सनली विंटर्स में भी मॉइस्चराइजर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है तब मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मॉइस्चराइजर में हाइलुरोनिक एसिड हो। अब हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि बहुत हाइड्रेट कर देती है आपके चेहरे को, मतलब बहुत ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ा देती है। अब मैं बोलूंगा रात को तो लगा ही लिया करो मॉइस्चराइजर सोने से पहले, ताकि जब आप सुबह उठो तो एकदम हाइड्रेटेड फेस हो। एंड मैं ये स्पेशली बोलूंगा नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया वाले पूरे रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड होती है ना वो बड़ी ड्राई ठंड होती है, बहुत सूखी हुई ठंड होती है, तो आपके फेस से सारा मॉइस्चर उड़ा देती है। और इससे ना कभी कभी आपको खुजली भी हो सकती है, इची स्किन हो सकती है, फिर इरिटेटेड स्किन हो सकती है। उस केस में आप प्रेफर करना चाहोगे थोड़े से सूदिंग से लोशंस। लेकिन अगर आप साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहते हो तो वहां पे अगर ठंड होती भी है तो वो थोड़ी सी ह्यूमिड टाइप की ही ठंड होती है, तो वहां पे आप थोड़े से लाइट वेट टाइप के मॉइस्चराइजर से भी, जैसे एलोवेरा वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनसे भी आपका काम चल जाएगा। अब मैं जब यूज करता हूँ मॉइस्चराइजर तब मैं यूज करता हूँ केमिस्ट आर्ट प्ले वाला, क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट्स में ना सेरामाइड्स होते हैं जो कि मॉइस्चराइजेशन में काफी अच्छे से हेल्प करते हैं, और ऊपर से स्किन पे कोई इरिटेशन भी नहीं होने देते। या फिर इवन डॉक्टर शेड्स ब्रांड के भी जो मॉइस्चराइजर है उसमें भी सेरामाइड्स होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है स्किन पे, उससे अगेन भाई इचिंग वगैरह नहीं होती। अब चलो मॉइस्चराइजर तो ऐसी चीज हो गई कि भाई अगर ड्राई हो रहा है तो लगा लिया, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ऑलरेडी पता है कि कभी भी स्किप नहीं करना, वो है सनस्क्रीन। भाई बाहर निकलो चाहे ना निकलो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली बाहर निकलता हूं तो लगाता ही लगाता हूं, लेकिन जब मैं घर पे बैठता हूं तो मैं काफी बार स्किप कर देता हूं सनस्क्रीन आलस की वजह से। मुझे नहीं करना चाहिए ये, बट सच है। अब सनस्क्रीन में मेन बात ये आती है कि भाई चूज कौन सी करे, उस पर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, जो उसका SPF होता है, मतलब कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर, की सन के अगेंस्ट कितना काम करती है। और एक और चीज होती है PA रेटिंग,
तो ये दोनों यूवी ए और यूवी बी जो दो गंदी रेज होती हैं सन से, उनसे कितनी लड़ने की क्षमता है उसको डिफाइन करती हैं। तो आपका जो SPF नंबर है वो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्ट करो पैसे, 50 से ऊपर का ही होना चाहिए SPF नंबर, और PA वाली जो रेटिंग है वो 4 प्लस होनी चाहिए। अब देखो काम तो आपका SPF 40 से भी चल जाएगा और PA 3 प्लस से भी चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऐसी जगह है सनस्क्रीन स्किन केयर जहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए। अब इसके बाद जैसे मेरी फेवरेट सनस्क्रीन की कंपनी है सनस्कूप, ठीक है, अगेन इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है, बट सनस्कूप की अलग अलग टाइप की सनस्क्रीन आती है, आप भी उनकी वेबसाइट पर जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बस इतना देखना कि एक तो 50 प्लस और 4 प्लस वाली तो होंगी होंगी उनकी सारी सनस्क्रीन रेटिंग में, लेकिन उसमें ना ये भी लिखा होता है कि किस टाइप की फिनिश है उस सनस्क्रीन की, मतलब जब आप फेस पे लगा लोगे तो कैसा फील होगा। कुछ होंगी थोड़ी सी ड्राई फिनिश वाली, तो अगर आपकी ऑलरेडी काफी ऑयली स्किन है तो आप ड्राई फिनिश वाली ले लो, जैसे कि उनकी अल्ट्रा मैट वाली। लेकिन अगर आपकी काफी ज्यादा ड्राई स्किन है और आपको चाहिए कि फेस पे थोड़ा सा ग्लो आए, वो कोरियन ग्लास स्किन आए, तो उनकी DUV वाली ले लो। DUV मतलब थोड़ा सा पानी पानी सा लगेगा आपके फेस पे। मैं पर्सनली अपने फेस के लिए उनकी अल्ट्रा मैट टच वाली यूज करता हूँ, मेरे हिसाब से वो बड़ा वेलवेटी टेक्सचर है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो फेस पे। एंड ऑल्सो मैंने नोटिस किया है कि इस ब्रांड की सनस्क्रीन्स इस मामले में इंप्रूव हो गई है पिछले 2 साल में कि फेस पे लगाने के बाद कितनी जल्दी घुल मिल जाती है। एंड वैसे तो ऑनेस्टली मुझे एक न्यू प्रोडक्ट मिल गया है, COSRX कंपनी का है, तो पहले ही जान लो COSRX बहुत महंगी कंपनी है। मुझे पता है मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों की औकात के बाहर होगा, शायद मेरी भी औकात के बाहर है, बट मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे इस बार विंटर्स में ये ट्राई जरूर करना है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों को काम एक ही चीज कर रही होती है, और मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा एफिशिएंसी का 14। मुझे चाहिए टाइम बचे, प्रोडक्टिविटी आए, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये नया ट्राई करना शुरू किया है। इसका रिव्यू मैं आपको आने वाले किसी एक वीडियो में दे दूंगा, लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से इसका रिव्यू अमेजिंग है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। लेना चाहो, अगर आप पैसे लगा सकते हो तो प्लीज ले लो, टाइम भी बचेगा स्किन भी बचेगी, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अब ब्रो विंटर्स की जो स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स होती है उस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी कोलेजन जर्नी का अपडेट। भाई जब से मैंने मेरा एंड्रू हूबरमैन रूटीन शुरू किया था तब से मैं ओरल कोलेजन रोज ले रहा हूं, और अब तो 3 महीने हो चुके हैं और मेरा एंड्रू हूबरमैन रूटीन चैलेंज भी खत्म हो चुका है। उसके रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स हम लोग हमारी वेबसाइट beyourbest.co.in पे अलग से डालने वाले हैं, उसका यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगा। लेकिन मेरी स्किन की जर्नी कोलेजन की वजह से काफी सही हो गई है। अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो मेरी पार्टीज भी ऑन है, बट कोलेजन की वजह से मेरे को अपने फेस पे कोई डिहाइड्रेशन नहीं फील होती। इवन तो मैंने आपको बताया हुआ है मैं आजकल कोई सीरम भी यूज नहीं कर रहा रेगुलरली, ताकि मैं इस कोलेजन का इफेक्ट ढंग से समझ पाऊं। और मुझे काफी खुशी है कि ओरल कोलेजन मतलब कि मुंह से लेने वाला कोलेजन अब रिसर्च बैक्ड है, मतलब इसके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। एंड ऑनेस्टली 25 साल से ऊपर के अगर आप हो तो आपको डेफिनेटली लेना शुरू कर देना चाहिए। लास्ट वीडियो में तो मैंने एक स्किन डॉक्टर यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट को लाके आपको प्रूव करवा दिया था भाई। बाकी मैं तो कहूंगा भाई शादी सीजन चल रहा है अभी से लेना शुरू कर दो, 1-2 महीने के अंदर अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। जब आपकी बहन की शादी है, फिर शायद आपकी ही शादी हो रही होगी, तो आप फेब्रुवरी वगैरह में जनवरी वगैरह में बहुत शानदार स्किन लेके निकलोगे। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो से ही बात मान ली थी तो गुड गोइंग। बाकी मैंने मम्मी को वेज वाला वेरिएंट दिया था, उनकी भी जर्नी अच्छी चल रही है। आपको लेना हो तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ, और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना मत भूलना। अब आ जाते हैं उन इरिटेटिंग प्रॉब्लम्स पे जो विंटर्स में होती है आपकी स्किन और आपके हेयर पे। सबसे पहला सबसे कॉमन चैप्ड लिप्स, मतलब कि सूखे फटे होंठ जिसके ऊपर निविया ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। अब अगर आप नॉर्थ या फिर वेस्ट इंडिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सूखी वाली ठंड होती है, तो सबसे सस्ता लिप बाम एक्चुअल में घी लगाना है वाई लिप्स पे। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे, हम प्रॉपर लिप बाम यूज करेंगे। आजकल मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को ये डीकंस्ट्रक्ट जो ब्रांड है उसी ने भेजा था ये, जब उन्होंने हमारी वीडियो देखी थी स्किन केयर वाली तो उन्होंने मेरे को ये भेजा था, मैंने खरीदा नहीं था ये, बट ये बहुत ही शानदार लिप बाम है। अब बात ये है कि मैं अलग अलग टाइप के लिप बाम यूज करता हूँ अलग अलग टाइम पे, तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता लगा है कि किसका रिजल्ट अच्छा है, बट मेरे लिप्स मस्त रहते हैं। तो मेरे काम करने वाली डेस्क पे अलग लिप बाम पड़ा होता है, मेरे बेड साइड टेबल पे अलग पड़ा होता है, मेरे वॉलेट के पास अलग पड़ा होता है जो मैं बाहर लेके जाता हूँ, मेरी कार में अलग पड़ा होता है। बट एनीवे बहुत जरूरी है लिप बाम यूज करना ताकि आपके लिप्स एकदम अच्छी हेल्थ में रहें, नहीं तो ब्रो बहुत लोगों का मैं देखता हूँ खून वगैरह निकलना शुरू हो जाता है लिप्स से, क्योंकि वो लिप्स की केयर नहीं करते ढंग से विंटर्स में। एंड इतना तो आप समझते हो कि खून निकलना तो गंदा निशानी है, तो लिप बाम यूज करके अपने लिप्स को किस रेडी रखो, क्योंकि आपको किस करना है सब्सक्राइब बटन को प्लीज। दूसरी प्रॉब्लम जो कि काफी लोग स्किप कर देते हैं वो है बॉडी से बदबू की। अब आप कहोगे वो तो समर्स में होता है कि तो पसीने ज्यादा आते हैं, साले तो विंटर्स में नहाता कितना कम है वो सोचा है तूने? 3-3 दिन नहाता नहीं है तू, तो ऑब्वियसली भाई ओडर तो आएगा ना, बॉडी से स्मेल तो आएगी। अब उसका बेस्ट सोल्यूशन ऑब्वियसली कोई डीओ लगाना है, लेकिन डीओ स्प्रे मुझे ऑनेस्टली बहुत ठंडी लगती है, फिर उससे छींके आनी शुरू हो जाती है, तो उससे अच्छा एक रोल ऑन यूज कर लो। तो मैं इससे पहले तक तो यूज करता था केमिस्ट एट प्ले का रोल ऑन, जो कि आई थिंक इंडियाज बेस्ट रोल ऑन है, लेकिन अभी मैंने रोल ऑन यूज करना शुरू किया है डॉक्टर शेज का, जो कि एक्चुअल में काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को। अब इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, तो आई थिंक थोड़ी सी स्किन भी बेटर हो जाएगी मेरी अंडर आर्म्स की,
लेट्स सी, यूज करता हूँ, अदरवाइज बहुत बढ़िया काम कर रहे। मैं जितने दिनों से यूज कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी उसके बाद स्मेल नहीं आती, तो अपना डीओ वाला काम तो कर रहा है अच्छे से। बट एनीवे, मैं दोनों रोल ऑन्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने हर प्रोडक्ट के लिंक दिए हुए हैं जो इस वीडियो में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आप वहां से जाके ले सकते हो। एफिलिएट लिंक्स हैं, उससे हम भी कुछ 10 रुपए कमा लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं कमेंट्स में बहुत ज्यादा देखता हूँ वो होता है कि भाई हमारे विंटर्स में स्किन डल हो जाती है। तो भाई अगर आप नॉर्थ या वेस्ट इंडिया में रहते हो, वहाँ पे मैं मानता हूँ बहुत सूखी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स में ना हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट में हाइलुरोनिक एसिड ठूस दो, सारे वही वाले यूज कर लो, जैसे कि आपका क्लेंजर हाइलुरोनिक एसिड वाला, आपका मॉइस्चराइजर भी हाइलुरोनिक एसिड वाला कर लो, बीच में टोनर भी हाइलुरोनिक एसिड वाला कर लो, और कहीं से विटामिन सी वगैरह सीरम भी छिड़क दोगे तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। और एंड में जो सनस्क्रीन लगाओगे ना वो ड्यूवी वाली लगाना, मतलब थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश वाली लगा लेना। और अगर आप साउथ या ईस्ट इंडिया में रहते हो तो आई डोंट थिंक आपको ये दिक्कत आएगी। बट जो नेक्स्ट दिक्कत है वो तो बहुत लोगों की दिक्कत है, कमेंट्स भरे रहते हैं, जैसे आपके सर में भरी रहती है डैंड्रफ। भाई आपके स्कैल्प यानी कि आपके जो बालों के नीचे की यहाँ की जो स्किन है उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हेयर फॉल होगा ही होगा। तो अगर डैंड्रफ है आपको तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं बहुत सारे, यूज करो। मेरा फेवरेट जो मैं विंटर्स में यूज करता हूँ वो है बेयर एनाटॉमी वाला, मतलब ये एकदम शानदार शैम्पू है। इसको यूज करने के बाद देखो डैंड्रफ होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस शानदार शैम्पू को बस थोड़ा सा लेके अपने बालों में जेंटली स्कैल्प पे लगाना शुरू करना, और आप अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे इसको लगाते हो नहीं लगाते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद बस गर्म पानी से मत नहाना, ठंडे पानी से उसको फेस करो कि स्किन के लिए भी अच्छा है। और सुबह सुबह इन जनरल मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपके लिए न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से ये क्यों अच्छा है। एंड बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि विंटर आर्क के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, जो बेसिकली मैं विंटर में अपना डेली रूटीन फॉलो करने वाला हूँ फोड़ देने के लिए, सबको पीछे छोड़ देने के लिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये तो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर आपको डैंड्रफ है तो प्लीज ऑयल यूज करना छोड़ दो। कुछ कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि अगर डैंड्रफ हो रही है तो ऑयल लगाओगे तो सही हो जाएगा क्योंकि ड्राई हो रहा था तुम्हारा स्कैल्प। अरे भाई डैंड्रफ के अलग अलग रीजंस होते हैं, प्लीज ऑयल लगाना छोड़ दो। और अगर बहुत हैवी डैंड्रफ है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ। एंड एलोवेरा का पत्ता पीछे लिए हुए यूट्यूबर्स के वीडियोस देखना छोड़ दो इन चीजों के बारे में, जो कहते हैं लकड़ी पत्ती रगड़ लो अपने सर पे। एंड वैसे मैंने जनरली देखा है जितने भी साउथ पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश से नीचे के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उन भाइयों को ऑयल प्रोडक्शन विंटर्स में भी उतना ही हो रहा होता है बालों में, तो उनको उतनी ड्राइनेस नहीं हो रही होती, उतना डैंड्रफ नहीं हो रहा होता। तो आई थिंक आपके लिए एक नॉर्मल जेंटल शैम्पू काफी रहना चाहिए। लेकिन अगर तब भी आपको हेयर फॉल वगैरह भी हो रही है बिना डैंड्रफ के, तो आप स्ट्रेंथनिंग शैम्पूज यूज कर सकते हो। ये भी बेयर एनाटॉमी के आते हैं, मुझे इस ब्रांड पे भरोसा है। मैंने नहीं यूज किया स्ट्रेंथनिंग वाला, बट मुझे ब्रांड पे भरोसा है क्योंकि बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। एंड वैसे पता है ये बालों से अगर ज्यादा बीटी हो तो बस कट करवा लो, खत्म करो। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी लुक्स मैक्सिंग कर दूं, बाय द वे हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग करेंगे जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे सिर्फ कमेंट्स में मेरे को बता देना कि आपका हेयर टाइप क्या है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सब्सक्राइबर्स को होती है वो है बाल थोड़े फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो देखो अगर आपके 1.5-2 इंच से लंबे बाल हैं तो ऐसा हो सकता है विंटर्स में आपके पास, स्पेशली अगर आप थोड़े ड्राई एरियाज में रहते हो। तो उसके लिए सिंपल है, आप कंडीशनर यूज कर सकते हो अपने शैम्पू के बाद, या अगर किस दिन भूल गए तो आप बाहर निकल के सीरम भी यूज कर सकते हो। अब कंडीशनर मैं जूसी केमिस्ट्री वाला यूज करता हूँ, और सीरम बेयर एनाटॉमी का बहुत शानदार सीरम है। ना ही सिर्फ ये मेरे बालों को अल्ट्रा सिल्की बना देता है बहुत शानदार तरीके से, बिना उनको ज्यादा भारी किए, तो मैं स्टाइल वगैरह भी कर पाऊँ बाद में, लेकिन साथ में इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी है। एंड अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं विंटर्स में, तो उसके लिए जनरली बोला जाता है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट्स अच्छी होती हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करी। अगर आप चाहते हो कि मैं सैलों में जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट जैसे केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो सब ट्राई करके उसका रिव्यू डालूं, तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स फेस करते हैं विंटर्स में, जो लास्ट ईयर मुझे पता चली, वो है कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन एकदम टेक्निकल और सिंपल है, वो है कि आपके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सेरामाइड्स होने चाहिए। और सेरामाइड्स तो केमिस्ट प्ले वाले सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी है ही, मतलब वो तो कंपनी सेरामाइड्स के ऊपर बनी है, तो आप उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड बल्कि वही प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में अभी तक बताए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ह्यूमिड एरिया में रहते हो तो आप चाहते हो कि आपकी जो क्रीम है ना वो थोड़ी सी लाइट हो, थोड़ी सी हल्की हो, फेस पे भारी ना लगे, तो डॉक्टर शेड्स का एक कीका एंड सेरामाइड करके एक मॉइस्चराइजर आता है। ये कीका और सेरामाइड दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी फेस की सेंसिटिविटी वगैरह और खुजली होना, रेडनेस होना, इन सबको सॉल्व कर देंगे और साथ में मॉइस्चराइज भी कर देंगे, तो वो परफेक्ट है आपके लिए। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने उतना नहीं बोला लेकिन मेरी मम्मी काफी रोती है उसके लिए, वो है फटी एड़ियां, मतलब कि क्रैक्ड हील। अब ऑनेस्टली आई थिंक अगर आप 25+ हो तो ही आपके साथ ये हो रही होगी, वो भी तब अगर आप बहुत ज्यादा नंगे पैर चलते हो, तो वो भी स्पेशली अगर आप थोड़े ड्राई एरियाज में रहते हो। तो उसके लिए एक फुट क्रीम आती है, अब आप ऑब्वियसली जो बॉडी मॉइस्चराइजर शावर से निकलने के बाद अपनी बॉडी की स्किन पे लगाते ही होगे, जैसे कि मैं लगाता हूँ केमिस्ट प्ले वाला जो नॉर्मल बॉडी लोशन है उनका, वो तो आप यूज कर ही सकते हो। मैं भी अपनी आर्म्स वगैरह पे वही लगा रहा होता हूँ, वो आप पैर पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने अलग से यहाँ पे एक फुट क्रीम मंगवाई हुई है क्योंकि मेरे को अपने सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखना
अच्छा लगता है, मेरी प्रेफरेंस है वो। एंड प्लस फुट क्रीम के लिए थोड़ी सी हैवी क्रीम भी चाहिए होती है क्योंकि हील्स के ऊपर ड्राइनेस ज्यादा होती है। एंड लास्ट प्रॉब्लम जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें बताई थी वो है अलग अलग टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स जिनके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा कुछ भी और आपको प्रॉब्लम है प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि भाई मैं सिर्फ ऑनलाइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बस वही बता सकता हूँ, मैं आपको दवाई नहीं बता सकता एंड ना ही कोई और यूट्यूबर जो डॉक्टर नहीं है वो आपको बता सकता है। प्लीज उनकी बातें सुनना छोड़ो। बल्कि भाई प्रोडक्ट ऑर्डर करते करते बहुत पैसे भी लग गए, एफर्ट भी लग गया, टाइम भी लग गया। लाइक ठोको। ये फिर वैसे एल्गोरिदम पे लाइक करने से कुछ नहीं होता, तो अगर आप ये वीडियो शेयर कर दोगे अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ जिनकी स्किन भी आप अच्छी करना चाहते हो या फिर दोस्तों के साथ, तो वो मच बेटर हेल्प होगी। बट एनीवे वीडियो के एंड तक टिके हो तो कुछ बोनस टिप्स भी दे देता हूँ। भाई विंटर्स में बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, लेकिन उसका मतलब ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप फालतू में कैलोरीज ठूसो। ऑल्सो अगर आपको मेरी तरह एलर्जीज हैं तो अपना पंप कैरी करना मत भूला करो बाहर। एंड ऑल्सो आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ। सर्दियों में बहुत लोगों को खांसी, जुकाम, सर दर्द ये सब होता रहता है। आपकी डिक्शनरी में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आपको पता भी नहीं चलना चाहिए सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब है। मतलब मैं तो हंसता हूँ लोगों पे जो कि अपने मुंह से एडमिट करते हैं हाँ यार सर दर्द है, हाँ यार फीवर है, खांसी जुकाम, वो लूजर्स की बातें होती हैं। अपने काम पे फोकस करो, साइकोलॉजिकल होती है सारी एनर्जी, इन सब चीजों से एनर्जी नहीं जाती, याद रखना है बात। तो एनीवे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर कर सकते हो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।